सर को पूछो मैडम हाउ डू यू डू। कौन सी अंग्रेजी फिल्म को बॉलीवुड में मिली सफलता के बाद मराठी में भी बनाया गया? हेमा मालिनी को आखिर क्यों पहननी पड़ी फिल्म के एक सीन में शॉल? वो कौन सी फिल्में थी जिसमें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने निभाया था डबल रोल? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। प्यार एक ऐसी बला है जो रोते हुए को हंसा देता है, सोते हुए को जगा देता है और पत्थर दिल इंसान को भी पिंगला देता है। बॉलीवुड ने हमें कई तरह के लव एंगल्स दिए, अमीर गरीब, पंजाबी तमिल, यन धर्म की मार, उम्र की वजह से दिलों में तकरार, लव ट्रायंगल तो कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब प्यार है ही ऐसी चीज जो कभी सोच के नहीं होता, बस हो जाता है। लेकिन आपने कभी सुना है कि किसी फिल्म में सामूहिक मोहब्बत हुई हो? जी हाँ, वो भी सात लड़कों को सात लड़कियों से। अब जैसे ही हमने आपको ये बात बताई, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही फिल्म का नाम घूम रहा होगा। कौन सा? अरे 1982 की फिल्म सत्य पे सत्ता। देखा, नाम भी कितना खास है फिल्म का। यह पहली बार था कि फिल्म में सात कपल हो। रिसेंटली बॉलीवुड की ऐसी फिल्म जिसमें इतने सारे कपल्स थे वो कौन सी थी? बताइए बताइए। जी हाँ, आपने एकदम सही पहचाना, हाउसफुल 4, जिसमें तीन कपल्स थे और तीनों के बीच इतनी कंफ्यूजन थी कि कौन किसकी होने वाली बीवी है। वही सोचिए, अब फ्रेम में सात हीरो हो और उनके लिए सात हीरोइन, तो कंफ्यूजन का क्या माहौल रहा होगा। सबसे पहला कंफ्यूजन तो यही कि हीरोज को ऐसा क्या नाम रखें जो आसान भी हो और ऑडियंस को याद भी रह जाए। तो फिल्म मेकर ने बिना किसी परेशानी के फिल्म के सभी हीरोज के नाम हिंदी के सप्ताह पर रख डाले। फिल्म में सबसे बड़े ये शक्ति के महानायक अमिताभ बच्चन, जिसका नाम था रवि आनंद, जिसके बाद सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि आनंद थे। है ना बड़े ही कमाल की बात। फिल्म की कहानी भी बड़ी अतरंगी थी। रवि को अपना बागबन की पूजा यानी हेमा मालिनी से प्यार हो जाता है। हेमा मालिनी फिल्म में नर्स सिंधु का किरदार निभाती हैं, जो इस बात से अनजान है कि रवि के 6 भाई हैं। अब बात भी ठीक है, 6 देवरों की सेवा करना कोई आसान बात थोड़ी ना है। लेकिन झूठ ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है, मगर तब तक इंदु और रवि की शादी भी हो जाती है। जब इंदु रवि के सर्कस से मिलती है तो उसकी शक्ल ऐसी होती है मानो ये कहाँ आ गए हम। लेकिन उन सभ्य जानवरों को इंसान बनाने में इंदु कोई कसर नहीं छोड़ती और उसकी मेहनत रंग भी लाती है। अब भाई एंट्री होती है 6 बहनों की, जो रवि के भाइयों के दिल में बस जाती है और एक ही मुलाकात के बाद सबके सब आशिक बन जाते हैं, क्योंकि प्यार इन्हें ऐसे मोड़ पर ले आया है कि दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या होगा। आपको बता दें, फिल्म में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के अलावा अमजद खान, रंजीता कौर, सचिन, शक्ति कपूर, पेंडल सुधीर, इंद्रजीत, सारिका, कवलजीत सिंह, प्रेम नारायण, मैकमोहन और कल्पना अध्यर थे। फिल्म को 7 ब्राइड्स अवार्ड, 7 ब्रदर्स 1954 और कितना बदल गया इंसान 1957 से अडॉप्ट किया गया है। फिल्म को मराठी में अमही साथ पूते के और सिंहल में पैरली कार्यो के रूप में बनाया गया। ये 1982 के बॉक्स ऑफिस संग्रह सूची में 10वें स्थान पर थी। और क्या आप जानते हैं कि फिल्म के मराठी अडॉप्शन में अमिताभ वाली भूमिका किसने निभाई थी? ये और कोई नहीं, फिल्म के सबसे छोटे भाई सनी आनंद यानी सचिन थे और इंदु के रूप में सचिन की बीवी सुप्रिया दिखाई दी थी इस फिल्म में। मजे की बात तो ये है कि फिल्म की शूटिंग के तहत हेमा मालिनी प्रेग्नेंट थी अपनी बड़ी बेटी ऐशा देवल से, जिस वजह से एक सीन में उन्हें शॉल पहनने भी दिखाया गया। यह भी कहा जाता है कि अभिनेत्री रेखा को सत्य पे सत्ता में हेमा मालिनी की भूमिका के लिए चुना गया था। हालांकि अमिताभ बच्चन ने उस समय तक रेखा और प्रवीण भावी के साथ अभिनय करना बंद कर दिया था, इस प्रकार हेमा मालिनी ने इस फिल्म में कदम रखा। इसी तरह में कमलजीत की भूमिका के लिए मिथुन चक्रवर्ती पहली पसंद थे। आपको ये बता दें, इसी साल यानी 1982 में 3 फिल्मों में अमिताभ बच्चन की दोहरी भूमिका थी, सत्य पे सत्ता, देश प्रेम और बेमिसाल। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये फिल्म एक अंग्रेजी फिल्म का एडॉप्शन थी, लेकिन अमिताभ बच्चन के खलनायक की दोहरी भूमिका मूल फिल्म का हिस्सा नहीं थी। देखा किस तरह फिल्म को एक देसी बॉलीवुड टच दिया गया, जो दर्शकों को पसंद भी आया। क्या आपने ये फिल्म देखी है? क्या आपको फिल्म के गाने या किरदार याद हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रिप्ट रिटन बाय सिमरन रावत।